हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश पटेल फ्रॉम मिल पावर इंडस्ट्रीज से। ये है रोस्टिंग ड्रायर मशीन। जनरली मॉनसून और विंटर सीजन में हवा में नमी होने के कारण मटेरियल में भी नमी आ जाता है, और जिससे मटेरियल को ग्राइंड करते वक्त वो अंदर छाले में और चैम्बर में चिपक जाता है और आपका ग्राइंडिंग प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ये मशीन का चैम्बर पूरा SS304 से बनाया गया है, जिससे ये फूड ग्रेड मशीन है। इस मशीन का स्टैंड भी SS हैवी ड्यूटी फैब्रिकेशन से बनाया गया है। मशीन को टिल्ट मतलब झुकाने के लिए एक हैंडल दिया गया है, जिससे मशीन को झुकाने से मटेरियल को बाहर निकाला जा सके। अगर हम पीछे की साइड देखें तो आप देख सकते हो कि ड्रम के नीचे एक हैवी बैक सपोर्ट भी दिया गया है, वो भी SS में है। और पीछे की साइड से हम देखें तो स्टैंड को एक हॉरिजॉन्टल पाइप से सपोर्ट दिया गया है। मशीन में 12 इंच का बर्नर जो कंसील्ड दिया गया है, जो SS के इस बॉक्स के अंदर है। यहाँ पे बर्नर का इनलेट दिया गया है, जहाँ पे गैस पाइप लगाया जाएगा और बर्नर को LPG ईंधन दिया जाएगा। मटेरियल को चैम्बर में डालने के लिए मशीन के चैम्बर को हॉरिजॉन्टल में रखें, ताकि आप आसानी से मटेरियल को चैम्बर में लोड कर पाए। चैम्बर के नीचे एक HP 3 फेज का मोटर दिया गया है और गियर बॉक्स कंसील दिया गया है, जिससे अगर चैम्बर में ज़्यादा मटेरियल का लोड हो जाए तो भी ड्रम को आसानी से घुमाया जा सके। चैम्बर का कैपेसिटी 110 लीटर का है। मटेरियल को चैम्बर में से निकालने के लिए टिल्टिंग मतलब झुकाव का जो हैंडल है वो पूरा घुमा दे और चैम्बर में से सभी मटेरियल अंदर से बाहर आ जाएगा। LPG गैस को लगाने के बाद बर्नर को चालू करें। यहाँ कैप्सूल जैसा एक स्लॉट दिया गया है, जहाँ से लाइटर लगा के आप बर्नर को ऑन कर सकते हो। मटेरियल को चैम्बर में डाल दें। ध्यान रखें चैम्बर में ज़्यादा मटेरियल ना भरें। चैम्बर के अंदर स्पेस थोड़ा जगह ज़्यादा होना ज़रूरी है, जिससे मटेरियल इजीली अंदर रोटेट हो पाए और ड्राइंग या होस्टिंग होने में आसानी रहे। जितना मटेरियल में नमी है उस हिसाब से आपको बर्नर का हीटिंग रखना है। LPG गैस का फ्लो कम ज़्यादा करने के लिए वहाँ पे एक रेगुलेटर दिया गया है। ये मशीन में आप मटेरियल में से नमी हटा के और उसको ईजिली ग्राइंड कर सकते हो। इसमें आप मिर्ची, धनिया, सूखे पत्ते, सभी प्रकार के अनाज, हल्दी, सभी चीज़ को आप ड्राई कर सकते हो। और इसी मशीन में आप अगर रोस्ट करना चाहो, जैसे कि काजू, बादाम, नट्स, पिस्ता, सीड्स, ऐसे सभी मटेरियल को आप रोस्ट कर सकते हो। मटेरियल को कुछ देर बाद चेक करते रहो। जब मटेरियल यूज़ करने के लिए रेडी हो जाए तब चैम्बर में से मटेरियल बाहर निकाल ले। और ध्यान में रखें कि मटेरियल गर्म होने के कारण मटेरियल में थोड़ा नमी जैसा लगेगा, लेकिन मटेरियल बाहर निकालने के कुछ देर बाद वो हवा के संपर्क में आते ही ड्राई हो जाएगा। मशीन की ज़्यादा जानकारी और प्राइस के लिए आप हमें संपर्क करें। हमारे और वीडियो और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।